दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे दोस्तों अपने अपने जिंदगी में। अभी बज गया है शाम का 6 और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। खाने में मिल गया है चावल, दाल और सब्जी, आलू और फूलगोभी की सब्जी है। तो अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो दोस्तों बिछावन का कुछ इस तरह से हाल हो रखा है, ये देखिए। कल शाम से ही हमारे सर के अंदर में बहुत ज़्यादा दर्द था और बहुत ज़्यादा हम परेशान थे और सारी रात दोस्तों हमें नींद नहीं आया। लेकिन सुबह सुबह हम जो है वो अपने बच्चों को लेकर के यमुना विहार छोड़ने के लिए गए थे और छोड़ कर के आए और फिर जा कर के हम सो गए, जैसा कि आपको बिछावन दिखा है दोस्तों। और पूरे भर दिन दर्द होता रहा सर के अंदर में पूरी तरह, और इतना हिम्मत नहीं हुआ कि उठ के ब्रश कर ले, नहा ले, धो ले और कुछ खाना खा ले दोस्तों। तो हम जो थे वो सोए हुए ही रहे और नींद परा ही नहीं, दर्द पूरा होता रहा। ये सब पूरा मुझे दर्द होता है बराबर की ये है, ये पूरा दर्द होता है, इसके अंदर में दर्द होता है, कभी ऐसे दर्द हो जाता है और बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा होता है कि मैं ऐसा लगता है कि अब नहीं तब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है, ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया। तो दोस्तों कई एक बारी जो है वो हम डॉक्टर से भी दिखाए हैं, दिल्ली के अंदर में एक GTB के बगल में इहवास हॉस्पिटल है, जिसके अंदर में नस और मेंटल से रिलेटेड है, तो वहाँ भी दिखाए हैं दोस्तों। तो 2-3 बार हमने दिखाया था, तो उसमें उन्होंने हमको नींद की गोली वगैरह दिए थे हमें, ताकि जो है वो टाइम से नींद आ जाए। लेकिन उस समय दोस्तों मेरा जो काम था वो मार्केट का काम था, जो बाज़ार हम लगाते थे, तो हमें यहाँ से 3 बजे बाज़ार जाना पड़ता था और 11-12 बजे आना पड़ता था। और उसके बाद दोस्तों वो दवाई खा करके और सोते, और मॉर्निंग में बच्चे के लिए 6-7 बजे ही उठना पड़ता था। तो दिनचर्या के वजह से कुछ इस तरह का उन्होंने हमें प्रॉब्लम बताया था और बोला कि ये आप जो हो ये काम को चेंज कर दो, आप बदल दो, नहीं तो आगे जा कर के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हमने कुछ काम में चेंजिंग लाए, गाड़ी वगैरह लिए थे, तो हम गाड़ी वगैरह जो था वो चलाने लगे, लेकिन इन पैसे की कमी के वजह से उसे भी रात लेट नाइट तक के चलाना पड़ता था, 11-11:30 बजे तक के। तो उससे कुछ सुधार नहीं हुआ दोस्तों, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हमने कुछ अपने अंदर में जो था वो ज़्यादा दिक्कत होने लगा था, बहुत सारे पेट में भी दिक्कत और सर में भी। तो इसके वजह से हमने बहुत सारे चीज़ जो है वो चेंज करे थे। तो चेंज करने की वजह से हो गया, इनकम कम हो गया और इसके वजह से ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने लगी हमको। तो इस प्रकार से बना रहा दोस्तों, और वो ई बास में बराबर दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर ही जाने के बाद सुबह सबसे जल्दी जाना पड़ता है, करीबन वही 5 बजे के करीब में अगर चले जाएंगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। 10-11 बजे तक के ही पर्ची बनती है और उसके बाद नंबर में रहना पड़ता है, तो शाम तक के देख पाते हैं नंबर में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कुछ इस तरह की कहानी है, और बराबर हम इस तरह से कर नहीं सकते थे क्योंकि घर के वजह से पैसे की तो कमी लगी ही रहती है। यहाँ काम करे या ना करे 200-300 रुपये तो खर्च है ही, रूम का रेंट हो गया, खाना हो गया, ये तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा दोस्तों। और जब कमियां होती है तो दिमाग भी बहुत कम काम करने लग जाता है, परेशानी ही परेशानी। तो उसी तरह का माहौल जो है पूरी ज़िंदगी में बना हुआ है दोस्तों। तो अभी जो है हमारा तबीयत थोड़ा रात से ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसके वजह से हम उठे नहीं। अभी ये हम उठ करके और बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो अभी नहाए धोए हैं, ये देखिए बाल वगैरह जो है वो ठीक हो गया है और नहा धो के फ्रेश हो लिए हैं और मुझे खाने को मिल गया है। और 6 बजे हम जो है वो पूरा चीज़ कर पाए हैं, और मैं थोड़ा सा सोचा कि जब मैं वीडियो भी थोड़ा सा शूट कर लूँ, ताकि हमारे ब्लॉग में भी ये जो जो हमें पसंद करते हैं, जो देखते हैं, उन्हें थोड़ी मेरे बारे में जानकारी भी मिल जाए दोस्तों।
तो आज का ब्लॉग को यहीं तक के रखते हैं दोस्तों। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।